हेलो बॉयज, वेलकम टू द चैनल। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम फाइनली यार मैं ना अब अपने सारे काम शाम फ्री खत्म करके मैं हो गया हूँ फ्री, और अब व्लॉग का टाइम आ गया वापस। खैर कुछ पर्सनल मैटर्स थे, कुछ ऐसी कुछ वजूहत थी, कोई बहुत सारे मामलात और थे जिसकी वजह से यार मैं बिल्कुल सीन से हो गया था आउट। और खैर अब हम फ्री हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मामला अब हमारी ज़िंदगी के हो गए हैं क्लियर, और अब सीन ऑन है। और आज मतलब काफ़ी टाइम बाद और आज हम जा रहे हैं ट्रैक की तरफ, और आज की जो हमारी गाड़ी है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। आज हम वो नहीं निकाल रहे, आज हम निकाल रहे हैं एक और गाड़ी, और आपको मैं वो गाड़ी दिखाता हूँ जिस गाड़ी को तैयार करने में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल लग गया है। एक रियर व्हील ड्राइव गाड़ी, और उस गाड़ी को रेडी करने में बहुत टाइम लगा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग गाड़ी थी, लेकिन जो रिजल्ट उस गाड़ी का बाहर निकला ना, आप सबको उस गाड़ी से प्यार हो जाएगा। गाड़ी वैसे भी प्यार करने वाली ही है, लेकिन जब आप वो गाड़ी देखेंगे क्या बात है यार। खैर चलते हैं और आपको वो गाड़ी दिखाता हूँ और हम ट्रैक की तरफ चलते हैं, आज को थोड़ा सा फन करते हैं। है तो वो गाड़ी बेसिकली ड्रिफ्ट के लिए, लेकिन वो गाड़ी हर तरह से, मुझे तो गाड़ी हर तरह पसंद है। खैर आपको भी दिखाता हूँ और चलते हैं ट्रैक की तरफ। सो फाइनली अब हम असद के गैरेज में आ चुके हैं, और अब जिस गैरेज का मैं आपको व्यू करवाने लगा हूँ ना, अगर आप ये गैरेज देख लेंगे ना और आप कहेंगे यार वाकई जो दो गाड़ियाँ मेरे सामने इस टाइम खड़ी हैं, आप लोग कहेंगे कि यार ये वाकई आजकल जो बॉयज़ हैं उनकी ड्रीम कार्स हैं। और देखें खैर, और मुझे बताएं कैसी लगी गाड़ी। और फाइनली ये देखें जी, JZX90, खूबसूरत गाड़ी। इस गाड़ी को तैयार करने में ऑलमोस्ट को 1 से 1.5 साल लगा है। एक चीज़ जापान से इंपोर्ट की है इस गाड़ी की, और ये गाड़ी रेडी की गई है, एक चीज़ इंटीरियर टू एक्सटीरियर। और ये गाड़ी का पहला कलर जो भी था, लेकिन अब इस गाड़ी का आप बाहर से व्यू देखें, खूबसूरत। और इसका पेंट जॉब क्या बात है यार, वेरी नाइस, और बहुत ही सेक्सी गाड़ी है यार। मतलब मैंने इसको बोला कि यार एक साइड पर खड़ी हुई है क्राउन 2000 मॉडल, और एक साइड पे आई जी JZX, और अभी भी इसने सही तरह पॉलिशिंग नहीं की जो मुझे पता है। हालांकि इसको मैंने बोला था कि अच्छी सी पॉलिशिंग करवा के रखी, अभी भी इसने पॉलिश को इतनी अच्छी नहीं करवाई जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना, उसके मुताबिक इसने पॉलिश को इतनी अच्छी नहीं करवाई। खैर इस गाड़ी में इंजन दिखाओ जी, इस गाड़ी का इंजन दिखाओ, बल्कि अभी नहीं सिर्फ स्टार्ट करवाओ, और सारे गैस करें इस गाड़ी का इंजन कौन सा है, स्टार्ट करें आप। हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आपने कमेंट में बताना जी कि गाड़ी में इंजन कौन सा है। आपको साउंड से होप सो पता लग जाएगा, पता तो चल रहा होना है। खैर आप इसको गेस करें, और अब हम चलते हैं ट्रैक की तरफ। रास्ते में हम बातें चाहते करते हैं, शुगल मेले की बात करते हैं, और गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। साथ हमारे पास क्राउन है, लेकिन आज हम क्राउन नहीं निकालेंगे, आज हम निकालेंगे JZX, और ट्रैक पर रहकर बहुत सारा फन करेंगे, शुगल मेला करेंगे, और आपको सबसे मिलवाते हैं आज कौन कौन ट्रैक पर आया हुआ है, और हम मूव करते हैं जी ट्रैक की तरफ। हमारे साथ रहिएगा। फाइनली ट्रैक पे आ चुके हैं और रेसेस काफ़ी डन हो चुकी हैं। इसमें से अली की एक D17 सिविक आहद की मार्केक से, और साथ तैयब की K24 सिविक की इस मार्क टू के साथ, और ये गाड़ी में 3G आ रहा है, लीड मारनी है। चलो जी, और ये C63 भी आई हुई है आई थिंक सो, और बाकी वो एक मार्केट वो भी खड़ी हुई है, और ट्रैक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट रेस होने लगी है जी D17 सिविक और वर्सेस E-Note।
फाइनली बैक। तो सीन कुछ यूं हुआ था कि ट्रैक का सीन आज ना थोड़ा सा ठंडा ठंडा ही रहा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि दो तीन रेसेस की हैं, एक तो क्या नाम है पुलिस आ गई थी, दूसरा ये कि एक दोस्त की गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो जिसकी वजह से यार ट्रैक सीन के ज़रा दो तीन रन हुए हैं। खैर अब हम वापस आ चुके हैं व्लॉगिंग की तरफ, और अब इंशाल्लाह ताला आपको कुछ दिन तक अच्छी अच्छी रेसेस देखने को मिलेंगी और बहुत ज़्यादा फन होगा। खैर हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो, और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा शुक्र मिला करेंगे, और नया एक प्रोजेक्ट किया है जो कि 24 ऑल व्हील वाला, वो भी ऑन रोड हो गई शुक्र अल्लाह का गाड़ी, और वो आपको अगले से अगले व्लॉग में ही अगले उस अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।